किया था, तो बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा। और सर्दियों में एक किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है कि बहुत अच्छा व्हाइटनिंग मास्क बन जाए और आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिले। तो वीडियो को लास्ट तक आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, एग मास्क हम बना रहे हैं तो एक अंडा आपको चाहिए। मैंने इसमें से एग व्हाइट निकाल ली है एक चम्मच के बराबर। इसी तरीके से आपने एक चम्मच ले लेनी है अंडे की सफेदी। अगर आप इसे साथ अपने हाथ पांव पर भी अप्लाई करना चाहती हैं तो आप उसी हिसाब से एग व्हाइट बढ़ा सकते हैं। उसमें हमने एक चम्मच लीमू का रस मिलाना है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं तो आप डेढ़ चम्मच लीमू का रस ऐड कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं, डेढ़ टीस्पून। तो वीडियो के अंदर अगर थोड़ा बहुत शोर आए तो उसके लिए भी माजरत, क्योंकि मेरा भांजा आया हुआ है तो वो मुझे वर्क नहीं करने दे रहा, लिहाजा आपने माइंड नहीं करना। अच्छा, मेरे पास यहाँ एक चम्मच अंडे की सफेदी है, इसमें एक ही चम्मच मैंने लीमू का रस मिला देना है। आप चाहें तो इसमें आधा चाय वाला चम्मच बेकिंग सोडा मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। या लीमू का इस्तेमाल कर लें या आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच यहाँ पे मैं लीमू का रस मिला दूंगी इसमें, और फिर दोनों चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, क्योंकि सर्दियां हैं, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप इसको ये दो ही चीजें मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे, हर तरह की स्किन को सूट करेगा। अब क्योंकि सर्दियां हैं तो खुश्की ना है चेहरे पे, तो हम इसमें थोड़ी सी वैसलीन मिलाएंगे। अब यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप 5 से 7 ड्रॉप जैतून का तेल, बादाम का तेल या नारियल का तेल भी मिला सकती हैं। वैसलीन अगर इस तरीके से मिक्स नहीं हो रही तो उसकी भी ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको डबल बॉयलर में मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसको फौरी तौर पे अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो भी इसमें जम जाएगी। अच्छा, आपने बिल्कुल थोड़ी सी वैसलीन मिला लेनी है। अब आपने तीन चीजें मिला लेने के बाद इसको मास्क की शक्ल देने के लिए आप इसमें फेयर एंड लवली, तिब्बत या कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप नाइट क्रीम इसमें ऐड नहीं करेगी। आप फेयर एंड लवली भी मिला सकती हैं, तिब्बत भी। यहाँ मैं इसमें एथनिक क्योर क्रीम ऐड करूंगी। इसका फायदा ये होगा कि जिनके चेहरे पर दाने, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं तो मास्क अप्लाई करने से उनको इस तरह का भी कोई खदशा नहीं होगा। क्रीम को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको वैसे ही पिंपल्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पिंपल्स भी निकलते हैं, बॉयज या गर्ल्स जिसको भी किसी भी तरह के, तो आप 3 से 4 नाइट जो है वो एथनिक क्योर ये क्रीम जो मैंने आपको दिखाई है सिंपली अप्लाई करके सो जाए और दिन में भी इस्तेमाल करें। महज 3 से 4 दिन इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे से दाने और उनके निशान खत्म हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ आपके चेहरे पर ज्यादा पुराने निशान हैं तो हमने इसकी रेमेडी शेयर की हुई है चैनल पे, उस रेमेडी के साथ आप इस क्रीम का इस्तेमाल तकरीबन 2 से 3 माह कीजिए, आपके चेहरे से निशान भी खत्म हो जाएंगे। अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा व्हाइटनिंग एग मास्क बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने इसे अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, इस तरीके से ये बहुत पतला है तो अप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप चाहे तो इसमें मैदा या चावल का आटा मिला सकती हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपने इसको ड्राई करना है। आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा डार्क और डल है तो आप एक कोट अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर भी अप्लाई करें और उसको भी ड्राई होने दें। 2 लेयर्स ड्राई करने के बाद आपने इसको वॉश करना है। यही मटेरियल, यही मास्क आप अपने नेक पे, बाजुओं पे, हाथों पे, पांव पे और चेहरे पे भी अप्लाई कर सकती हैं। किसी चीज को आपने कम या ज्यादा नहीं करना, इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ये 15 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा सर्दी की वजह से। तो 2 लेयर्स अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट लगेंगे। ये ड्राई हो चुका है, तकरीबन इसको 15 मिनट लगे हैं। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इससे स्किन भी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी और आपकी स्किन व्हाइट भी हो जाएगी। मैंने इसको वॉश कर दिया है। ये एक दफा के इस्तेमाल से रिजल्ट मुझे इसका मिला है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ है, मेरे भी आपने हैंड्स देखे हैं, सर्दी और केयर ना करने की वजह से काफी ज्यादा खराब होगी इनकी रंगत, तो आपने इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करने से, कि एक दफा से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, तो अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करेंगे तो महीने में आप इसे 8-10 बार अप्लाई कीजिए, तो नेक्स्ट मंथ तक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन में फर्क आएगा। 1 से 2 बार इस्तेमाल से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती